सब्सक्राइब कीजिए इंडियन टेलरिंग को और घंटी पे दबाएं हमारी वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज मैं आपको बताऊंगी ब्लाउज के पीछे की बैक डिजाइन। ये हमारी बुकरम की चौड़ाई है वो है 9 इंच, लंबाई है वो है 11। आप जितना लंबा गला बनाना चाहते हैं उतना लंबा आप बुकरम ले सकते हैं। अब हम यहाँ पे गले की चौड़ाई लेंगे, वो लेंगे हम 2.5 इंच, लंबाई लेंगे वो लेंगे हम 10.5। ये हमने गला काट लिया। ये हमने इस तरीके से शेप दिया है, वो हम इसके अंदर लगाएंगे। सबसे पहले हम इसको अच्छी तरीके से रख लें। ये हमने डबल कर लिया। अब हम इसमें बीच में यहाँ पे निशान लगा लेंगे। इसी तरीके से यहाँ पे भी निशान लगा लेंगे। यहाँ पे हम पहले सुई लगा देंगे जिससे हमारी डिजाइन बराबर रहे। अब हम ये बीच का कपड़ा काटेंगे। यहाँ पे हम हल्का सा कट लगा देंगे जिससे हमें इसको दबाने में अंदर की साइड अच्छी तरीके से सफाई आ जाएगी। अब हम इनको तैयार करेंगे जो हम यहाँ पे लगाएंगे। दोनों इस तरीके से रख लेंगे जिससे हमारी डिजाइन गलत ना हो। ये हम
कपड़े को डिजाइन बना रहे हैं, तो ये नीचे की लंग रखेंगे और इसके ऊपर हमें रख के इस पर सिलाई लगाएंगे। इस तरीके से बुकरम के नीचे सिलाई लगाएंगे। अब हम ये डिजाइन को इसके ऊपर लगाएंगे। इसे हमें बराबर सेट करना है। इसमें हम लेस लगाएंगे। हमारी डिजाइन है, उसी डिजाइन की हमने लेस लगाई है। ये हमने यहाँ पे सुई लगा दी है जिससे हमारी डिजाइन बराबर रहे। इसको हमने सेट कर दिया है। अब हम इसके ऊपर लेस लगाएंगे। यहाँ से हम लेस लगाएंगे इसको आधा आधा इंच छोड़ के। जैसे हमने ये लगाई है, ये हमारे पास काली लेस है जो हमारी साड़ी का बॉर्डर भी है। पहले हम यहाँ पे तुरपाई करेंगे और ये कच्ची सिलाई को हटा देंगे। तो ये बन गई हमारी ब्लाउज की पीछे की बैक डिजाइन। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज मेरी इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।